पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज सुबह हाईवे 24 पर हुए हादसे ने उस समय हिलाकर रख दिया जब दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज बस गैस के कैप्सूल से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि गैस के कैप्सूल में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर रोडवेज के 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद रामपुर हाईवे 24 पर सुबह 2:30 बजे कोहराम मच गया। LPG गैस ले जा रहे कैप्सूल में एक्सीडेंट के बाद आग पकड़ ली, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया, क्योंकि आग की लपटें इतनी ऊंचाई तक जा रही थी कि उन्हें कई किलोमीटर से भी देखा जा सकता था। दरअसल घटना रफ्तार के चलते हुई। जिला अस्पताल पहुंचे घायलों के अनुसार 2 गैस के कैप्सूल आगे जाने की होड़ लगा रहे थे और उनके पीछे रोडवेज बस चल रही थी। रफ्तार के चलते रोडवेज बस और गैस कैप्सूल की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही गैस का रिसाव शुरू हो गया और कुछ दूर जाते ही कैप्सूल में आग लग गई, जिसने रोडवेज को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां बुरी तरह से घायल हो गई और हाईवे पर चीख पुकार मच गई। 1 दर्जन लोग बुरी तरह से झुलस गए। हादसे की सूचना पर हाईवे पुलिस और थाना मुंडापांडे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की भी कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। वहीं जिला अस्पताल में घायलों की चीख पुकार मची रही, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कहां से आ रहे थे? हम नोएडा से बैठ के आ रहे थे। कहां पर जाना था आपको? हमें जाना था शाहजहांपुर तक टिकट ली थी हमने। ये मामला कैसे हुआ सर? ये मामला हमारी एकदम बस ड्राइवर ने उसमें टैंक जो इंडियन गैस का टैंकर था उसमें टक्कर मारी, तो उसमें से एकदम से आग निकली। एकदम बस ड्राइवर वहीं पर रुक गया, बस टैंकर आगे जाकर 50 मीटर पर रुक गया, उसमें से आग निकलने लगी। फिर हम लोग बड़ा उसमें चोट लग गई काफ़ी लोगों के, हमारे भी कितने लोगों को चोट लगी है? उसमें कम से कम 20-25 लोगों को चोट लगी है। अच्छा, मौके पर किसी की मृत्यु हुई है? किसी की मृत्यु हो गई थी मौके पर? मृत्यु तो किसी की नहीं हुई, चोट लगी है सबको। चोट लगी है, किस समय की बात है? ये 2 बजे के आसपास आया। रात में 2 बजे। पुलिस पहुँच गई थी? पुलिस आई है देर से, कुछ आई थी 10-15 मिनट बाद आई थी। अच्छा, उसमें टैंकर में आग लगी, कितनी देर में काबू हो पाए? टैंकर में आग लगी थी तो उसके बाद में आग बुझाने वाली फायर वाली मशीनें आई, तो उसमें 1.5 घंटा लगा।